Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to online classes of Heritage Public School. Please take out your books and let's continue with our studies. Children, open your book and open page number 128. Okay, so in last class we completed the first paragraph of standard time. हमने standard time पढ़ा था, 24 time zones में earth के time को divide कर दिया गया है, ठीक है? Now let's continue with this topic. Each country has selected one or more standard meridian for their certain geographical area. अब हर एक country ने क्या किया? उनके एरिया के हिसाब से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को चूज कर लिया. ईस्ट जोन कवर्स अबाउट 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है. द कंट्रीज विथ लार्ज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड मेरिडियन. अच्छा, अब जिनका बहुत बड़ा लॉन्गिट्यूड है उन्होंने क्या किया, एक से ज़्यादा मेरिडियन भी वो चूज़ कर लिया उन्होंने. जैसे कि हम बात करें इंडिया और चाइना की, इनके वन टाइम जोन ही है इनका. लेकिन हम बात करें रशिया की, तो रशिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 170 डिग्री. दस इट हैज़ एज मैनी एज 11 टाइम जोन्स. तो रशिया के पास कितने टाइम जोन्स है, 11 टाइम जोन्स हैं. द यूनाइटेड स्टेट हैज़ 9 टाइम जोन्स, कैनेडा हैज़ 5. यूनाइटेड स्टेट के 9 टाइम जोन्स और कैनेडा के 5 है. स्टैंडर्ड टाइम इज सेट फॉर द होल रीजन बेस्ड ऑन द सेंट्रल मेरिडियन. स्टैंडर्ड टाइम जो है सेंट्रल मेरिडियन, लाइक हम पूरा कर लेते हैं और फिर उसका सेंट्रल निकाल के पार्ट और सेंट्रल मेरिडियन के बेसिस पे उस रीजन का टाइम सेट करा जाता है. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 72 डिग्री 25 ईस्ट, ठीक है. ये यहाँ का टाइम जोन है, मतलब यहाँ का मेरिडियन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है. विद इन दिस एक्सटेंट, ये हमारे एक्सटेंट है, यहाँ का मेरिडियन है. तो इसी हिसाब से क्या गया, क्या लॉन्गिट्यूड कितना रख लिया गया, 82.5 डिग्री ईस्ट. इन दोनों का बीच का पार्ट जो है 82.5 डिग्री ईस्ट का यहाँ पर लॉन्गिट्यूड रख लिया गया, ठीक है. ये यहाँ का सेंट्रल मेरिडियन हो गया. तो जो टाइम सेट किया गया पूरी कंट्री का, सेंट्रल मेरिडियन के बेसिस पे किया गया और इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ओके, इंडिया बींग लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच. अब इंडिया कहाँ लोकेटेड है, ग्रीनविच के ईस्ट में लोकेटेड है. एंड यूजिंग द फॉर्मूला 4 मिनट्स फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड, और 4 मिनट हर एक लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री फॉर 1 आवर, ठीक है. ये हमने पढ़ा था. तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया, 5.30. यानी कि अगर हम बात करें 4 × 82 डिग्री 30 ईस्ट की, तो 330 मिनट्स हो गए. 330 मिनट्स का मतलब हो गया 5.5 आवर्स. तो ये GMT से 5.5 आवर्स ज़्यादा चलता है, ठीक है. अहेड प्लस ऑफ GMT, ग्रीनविच टाइम, और नाउ UT. अब GMT को UT भी कहा जाता है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम. दस इफ़ इट इज़ नून इन लंदन, लंदन का क्या है मेन GMT पे है, तो अगर 12 o'clock हो रहे हैं लंदन में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5:30 PM इन इंडिया. ओके, यूजिंग द स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड मेरिडियन एज द बेसिक मेजर्स, वी कैन नो द टाइम ऑफ एनी कंट्री विथ रिस्पेक्ट ऑफ GMT और UTC. अगर हम स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड मेरिडियन के बेसिस पे कैलकुलेट करें, तो हम किसी भी कंट्री का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. आप ये मैप देख रहे हैं, इसमें ठीक है, ये मैप है टाइम जोन्स का ऑफ द वर्ल्ड. इसमें ऊपर क्लॉक गिवन है, -12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. ओके, इस तरीके से क्लॉक गिवन है. नीचे यहाँ पर मेज़रमेंट गिवन है, ठीक है. और यहाँ पर आपको शो कर रखा है कि कौन सा कलर या कौन सा पार्ट किस चीज़ को इंडिकेट करता है. ओके, सो चिल्ड्रन फॉर टुडे योर होमवर्क इज़ व्हाट, यू हैव टू रीड दिस डायग्राम वेरी केयरफुली, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लाइक जोन्स यूजिंग यूटी कौन से जोन्स यूज़ करते हैं, that is given from red color and yellow and light yellow later or behind in time, ठीक है. इस तरीके से ही given है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा. ओके, एंड यू हैव ऑल्सो रीड द चैप्टर. ओके चिल्ड्रन, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ऑल्सो ट्राई टू फिल आउट द प्रोग्रेस माइल स्टोन. ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.